इस वीडियो में हम CWM रिकवरी के बारे में जानेंगे। CWM रिकवरी का जो पूरा नाम है वो ये है कि क्लॉक वर्क मोड रिकवरी, तो ये इसका नाम है क्लॉक वर्क मोड। और ये जो रिकवरी है ये नॉर्मल जो हमारे फ़ोन स्टैंडर्ड मेनू आते हैं रिकवरी के, जैसे कि हमारा फ़ोन जो है वो स्टॉक रूम में जब होता है तो उसमें जो नॉर्मल रिकवरी मेनूज आते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। और जो ये जो है TWRP से लोअर ग्रेड का रिकवरी मेनू है, मतलब कि इससे भी लेटेस्ट जो है TWRP है, तो ये लगभग 5.1 के पहले का जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होता था CWM रिकवरी, और अभी भी कुछ फोन्स में होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम TWRP रिकवरी को बिना रूट किए हुए फास्ट बूट मोड में या डाउनलोड मोड में इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लैश टूल के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा कि TWRP रिकवरी को हम बिना रूट के भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर CWM रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन को पहले रूट करना पड़ेगा, फिर CWM रिकवरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि TWRP में ऐसा नहीं है। तो CWM रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए करना क्या पड़ता है तो ये हम जान लेते हैं। तो CWM रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को रूट करना होगा, वो चाहे आप किसी ऐप का यूज़ करके भी रूट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किंगो रूट है या और भी बहुत सारे ऐप हैं, सुपर यूज़र की परमिशन आपको लेना होता है। तो उसके लिए आप एक ऐप भी आते हैं जैसे फ्लैशीफाई है, फ्लैशीफाई ऐप का भी यूज़ करके आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। रूट करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना होगा CWM रिकवरी डाउनलोड, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड वाला ऑप्शन एंड्रॉयड होस्ट ORG में, यहाँ से जा करके आप जो है CWM रिकवरी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है 1.42 MB, लगभग 2 MB की ये ज़िप फाइल होती है। और यहाँ से इस CWM रिकवरी ज़िप को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन को रूट कीजिए, रूट करने के बाद इस CWM ज़िप को अपने फ़ोन में स्टोर करा दीजिए किसी भी लोकेशन पर, और अपने फ़ोन को आप रिकवरी मोड में ओपन करिए। रिकवरी मोड में ओपन करने के बाद जो है आप यहां से इंस्टॉल ज़िप ऑप्शन करिएगा। इंस्टॉल ज़िप ऑप्शन करने पर यहां से आप CWM का जो रिकवरी ज़िप है उसे इंस्टॉल करिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद से फिर ऐसी विंडो आ जाएगी, ये CWM वाली ही विंडो है। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए इंस्टॉल ज़िप वाला ऑप्शन बोल रहा था, पर उसमें वहाँ पे जैसे नॉर्मल रिकवरी मोड में आप जाते हैं CWM इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ भी यही ऑप्शन रहते हैं, उसमें अपडेट फ्रॉम SD कार्ड का ऑप्शन रहता है इसकी जगह इंस्टॉल ज़िप की तरह। तो CWM रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है अपने फ़ोन में कोई भी स्टॉक रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपके जो डिवाइस है यदि पॉपुलर डिवाइस है तो उसके लिए बहुत सारे CWM रिकवरी के माध्यम से फ्लैश होने वाले स्टॉक रोम मिल जाएंगे, तो उन स्टॉक रोम को आप डाउनलोड करके यहां से अपने मेमोरी कार्ड में आप स्टोर कर लीजिए उस डाउनलोड हुई जिप को, और कार्ड को अपने फ़ोन में लगाइए, बूट इनटू रिकवरी मोड, अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट करा लीजिए। बूट कराने के बाद इंस्टॉल जिप पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो आपका कस्टम रोम है वो इंस्टॉल होने के लिए प्रोसेस होने लगे और कुछ ही देर में वो जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप इंस्टॉलिंग करेंगे तो ये परसेंटेज भी बताएगा कि कितने परसेंट आपका जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुका है या कितना बाकी है, प्रोग्रेस बार भी आपको दिखाएगा। तो CWM के जो ऑप्शन है उनको भी हम जान लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो रिबूट सिस्टम नाउ का, आपके फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए। सेकेंड वाला जो रहता है, सेकेंड वाला इंस्टॉल जिप, यानी जो कहना चाहिए कि जो आपका कस्टम रोम है उसकी फाइल को यहाँ से आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जो अपडेट जिप फाइल है। यहाँ से आप किसी फ़ोन को फॉर्मेट करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से कैच पार्टीशन को हटा सकते हैं। यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर, यहाँ पे आप अपने
जो आपका करंट फर्मवेयर है, आपके फ़ोन का ओरिजिनल फर्मवेयर, उसका आप बैकअप भी ले सकते हैं। और यहीं से आप मान लीजिए बैकअप ले लिए हैं, और मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में आपने कस्टम रोम इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद से वो कहीं कैमरा नहीं काम कर रहा है, कहीं टच ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो फिर से आप CWM रिकवरी में आइए। वहाँ से आप रिस्टोर करेंगे, तो रिस्टोर में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका जो लिया हुआ बैकअप है, तो जो ओरिजिनल रोम है आपकी, उस बैकअप को भी इंस्टॉल करके आप अपने पहले वाले वर्जन पर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुरक्षित तरीका है अपने फ़ोन को बिना नुकसान पहुंचाए बैकअप रख के ओरिजिनल रोम को, कस्टम रोम इंस्टॉल कर लेना। और माउंट्स एंड स्टोरेज, इसमें आप अपने जो मेमोरी कार्ड है उसको माउंट कर सकते हैं या अनमाउंट कर सकते हैं, यहीं से लगे लगे अपने कार्ड को इजेक्ट भी कर सकते हैं। और एडवांस्ड में जो है वहाँ पे आपको वर्जन इन्फो और रिकवरी लॉग्स वगैरह जो है वो शो हो जाएंगे। तो जब हम किसी कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे SD कार्ड का स्पेस बता देता है, बैकिंग अप, बूटिंग, बूट इमेज, रिकवरी इमेज, जो प्रोग्रेस होती है कोई भी फाइल को इंस्टॉल करने के लिए या बैकअप लेने के लिए, तो वो जो सारा स्टेटस है वो यहाँ पे शो करने लगता है कि अभी आपका फ़ोन किस मोड में है, क्या कर रहा है। तो कुछ इस तरह से क्लॉक वर्क जो रिकवरी मोड है वो उसके ऑप्शंस होते हैं, तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस जो हैं वो शो होते हैं। तो जो CWM रिकवरी है वो जो भी पॉपुलर हैंडसेट आते हैं, जो भी लेटेस्ट मार्केट में जो ज़्यादा चल जाते हैं, उनके लिए CWM रिकवरी इंस्टॉल सॉरी CWM रिकवरी जो है आप इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने फ़ोन को रूट करके CWM को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना जो मनचाहा कस्टम रोम है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि CWM रिकवरी होती क्या है और कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके मेनूज के बारे में भी हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।